हाय एवरीवन, मैं आपके लिए लेके आया हूँ नोकिया 3.1 प्लस। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ, इसका कंप्लीट रिव्यू मिलेगा आपको, प्राइस ओपिनियन। मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे हैं दी शॉपिंग। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब करो दी शॉपिंग को और दबाओ ये बेल आइकॉन ताकि आप देख सको मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू सबसे पहले। दोस्तों, ये नोकिया 3.1 प्लस का बॉक्स है, ये ऑफिशियल वारंटी वाला बॉक्स है। 3GB रैम है और 32GB इंटरनल मेमोरी का वाला वेरिएंट है ये। अभी इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। ये इसका किट है। अब इसकी बाकी एक्सेसरीज देख लेते हैं। ये सिम इंसर्शन पिन है, यूज़र गाइड आपको मिल जाती है, माइक्रो USB 2.0 कनेक्टर वाली डाटा केबल है और 2 एम्पीयर का USB पावर अडाप्टर मिलता है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, और 3.5mm ऑडियो जैक वाली हैंड फ्री बेटर कॉलिंग के लिए। ये 3 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लू, वाइट और बाल्टिक कलर। ये बाल्टिक कलर की अनबॉक्सिंग आपके सामने की गई है। इस फ़ोन की स्पेशलिटी है 3500 mAh की लॉन्ग बैटरी, यूनिक डिज़ाइन है इसका और 400GB तक एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट है। ये 3 स्पेशलिटीज़ हैं इस फ़ोन की। ये 2 वेरियंट्स में लॉन्च किया गया है, 2GB रैम, 16GB इंटरनल मेमोरी, 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी। ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया है इंडिया और पाकिस्तान में, आपको मिलता है एक ही वेरियंट 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी वाला। जो इसके ऑफिशियल प्राइसेस हैं 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी वाले की, पाकिस्तान में 24,000 रुपीज़ का 1 ईयर वारंटी के साथ और इंडिया में 11,200 रुपये में ये मिल जाता है आपको। और ये दिसंबर 2018 में अनाउंस किया गया था और दिसंबर 2018 में ही ये अवेलेबल कर दिया है मार्केट में और आजकल आप इजीली अवेलेबल है, ले सकते हैं। डायमेंशन की बात करें तो 156.88 mm इसकी हाइट है और इसकी जो विड्थ है 76.44 mm है। डेप्थ या मोटाई 8.19 mm है। 180 ग्राम इसका वेट है। फ्रंट पे फुल स्क्रीन मिलती है, ग्लास लगाया गया है, एल्युमिनियम की यूनी बॉडी है इसकी और इसका जो फ्रेम है ये भी एल्युमिनियम का बनाया गया है। 3.5 mm का ऑडियो जैक लगा सकते हैं ये। डस्ट या वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है ये। इसका जो डिस्प्ले का साइज है 6 इंचेस का है, HD+ डिस्प्ले है। इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है डिस्प्ले की 18:9 है। इस पर जो ग्लास लगाया गया है, इसका टफंड ग्लास का मटेरियल लगाया गया है स्क्रीन के ऊपर। IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, 16 मिलियन कलर्स हैं इसके। डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो 720x1440 पिक्सल्स का है। 268 ppi डेंसिटी मिलती है इसमें आपको। डिस्प्ले ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है, स्क्रीन सुपर एमोलेड भी बिल्कुल नहीं है। इसके नेटवर्क की बात करें तो 2G 3G 4G LTE सपोर्टेड है। LTE कैट 4 इसमें है, L+ LBM मिलता है, वोल्टेज भी आपको इसमें मिल जाता है और VO Wi-Fi भी इसमें दिया गया है। 5G अभी ये सपोर्ट नहीं करता, 5G आने वाले वक्त में हो सकता है इसकी अपडेट आपको मिल जाए। और इसमें जो चिप लगाई गई है MediaTek की हीलियो P22 मिल जाता है। CPU ऑक्टा कोर 2.0 GHz का, कोर्टेक्स A53 है और GPU पावर VRGE8320 इसमें मिलता है आपको। अदर फीचर में वायरलेस डिस्प्ले, आपको स्क्रीन मिररिंग मिल जाता है, फिंगरप्रिंट रियर माउंटेड है और फेस अनलॉक की सिक्योरिटी आपको मिल जाती है इसके अंदर। फिंगरप्रिंट बेस्ट क्वालिटी का इसमें फास्ट दिया गया है। सिम की बात करें, ड्यूअल सिम सपोर्टेड है, दोनों सिम नैनो लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड के लिए डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट है जो कि 400GB तक ये सपोर्ट करता है एक्सटर्नल मेमोरी। USB ऑन दी गो OTG सपोर्ट करता है, माइक्रो USB लगा सकते हैं इसमें, जिसका चार्जिंग कनेक्टर 2.0 माइक्रो USB वाला है। उसकी जो बैटरी है 3500 mAh की है, 2 एम्पीयर का आपको इसमें चार्जर मिलता है, फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट नहीं करता। 5 मिनट अगर आपने चार्ज करना हो तो 5% ये चार्ज हो जाता है बैटरी। बेस्ट बैकअप है बैटरी का, 20 आवर कंटिन्यूस टॉक टाइम है इसका और 2 डेज इसका बैकअप है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ओरियो 8.1 इसमें इंस्टॉल किया गया है जो कि अपग्रेडेबल है 9.0 पाई पे। अदर फीचर्स में मिलता है ड्यूल एप्लीकेशन मोड, एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन करता है ये, नोटिफिकेशन LED लाइट्स। और उसके अदर सेंसर्स की अगर बात करें तो एम्बियट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसमें मिलता है, एक्सेलेरोमीटर, जी सेंसर, ई कॉम्पस, गायरोस्कोप और NFC। अदर फीचर्स में GPS, AGPS, ग्लोनस, BDS, गलीलियो भी आपको मिल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। कैमरे की बात कर लेते हैं, ड्यूल रियर कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश लाइट। एक 13 मेगापिक्सल का है, 2.0 अपर्चर है, दूसरा 5 मेगापिक्सल का है, उसका अपर्चर 2.4 है। रियर कैमरे के फीचर्स में आपको मिल जाता है मैनुअल फोटोग्राफी है, लाइव बुके इफेक्ट है, बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं आप, पैनोरामा है इसके अंदर, स्केयर मोड भी आपको मिल जाता है इसके अंदर, नॉर्मल फोटोग्राफी बना सकते हैं, मोशन पिक्चर्स ले सकते हैं, ब्यूटी मोड भी आपको इसमें मिल जाता है, वीडियो मोड भी है इसके अंदर, स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है और टाइम लैप्स मोड भी आपको मिल जाता है।
अदर फीचर में HDR शटर्स और वाटर मार्क लगा सकते हैं, लोकेशन टैग भी लगा सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें, 8 मेगापिक्सल का सिंगल फ्रंट कैमरा है विद LED फ्लैशलाइट, 2.2 का अपर्चर है इसके फ्रंट कैमरे का, और इसके फ्रंट कैमरे के फीचर्स में आपको मिल जाता है जी, नॉर्मल फोटोग्राफी बना सकते हैं, बूके इफेक्ट भी है, बैकग्राउंड सेल्फी का ब्लर कर सकते हैं आप, फ्रंट कैमरे से वीडियो भी बना सकते हैं, और टाइम लैप्स मोड भी है इसके अंदर, और स्क्वायर पिक्चर्स भी ले सकते हैं।